नमस्कार, सिल्क टीवी देख रहे हैं आप। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं विकास कुमार। आइए फटाफट अंदाज में करते हैं खबरों की शुरुआत। 17 राज्यों के 51 सीटों पर उपचुनाव को लेकर मतदान हुआ शुरू। यूपी के 11 सीटों पर होगा बड़ा मुकाबला। हरियाणा के 90 सीटों पर वोटिंग शुरू, सुरक्षा के किए गए हैं पुख्ता इंतजाम। महाराष्ट्र की 288 सीटों पर शुरू हुआ मतदान, एनडीए और यूपीए के बीच बड़ा मुकाबला। लाइव शो के दौरान टीवी एंकर पर भड़की मृतक कमलेश तिवारी की मां, कहा बंद करो हिंदू मुस्लिम खेलना। बिहार के 5 विधानसभा और 1 लोकसभा सीटों पर शुरू हुआ मतदान, सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन चौकस। भागलपुर के सबौर में बनाया गया है सखी मतदान केंद्र, नाथनगर के आदर्श मतदान केंद्र पर मतदाताओं की उमड़ी भीड़। बांका के बेलहर में 3,03,000 मतदाता करेंगे 4 प्रत्याशियों के भाग का फैसला। नाथनगर बेलहर में जदयू और राजद के बीच सीधी टक्कर, वहीं नाथनगर में त्रिकोणीय मुकाबले के साथ। लाइव शो के दौरान टीवी एंकर पर भड़की मृतक कमलेश तिवारी की मां, कहा बंद करो हिंदू मुस्लिम खेलना। पीओके मेहसाणा की बड़ी कार्रवाई, आतंकियों के 3 कैंप तबाह, कई आतंकी ढेर। शादी को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची 16 साल की मुस्लिम लड़की, बोली शरिया कानून देता है निकाह की इजाजत। पश्चिम बंगाल में गैर मर्द से संबंध बनाने के शक में गांव वालों ने महिला को निवस्त कर पीटा, गांव में घुमाया। भाजपा नेता ने दी नसीहत, कहा धनतेरस के दिन सोना नहीं तलवार खरीदें, राम मंदिर पर फैसला आने के बाद आएगा काम। दाऊद इब्राहिम के करीबी से रिश्तों पर बोले पूर्व यूपीए मंत्री, कहा पता नहीं था इकबाल मेमन ही है इकबाल मिर्ची। एयर होस्टेस के अंडरगारमेंट्स में मिला 1 करोड़ का सोना, दुबई से मुंबई लाया गया था सोना। कांग्रेस नेता को मांगी पड़ी शस्त्र पूजा, अवैध हथियार रखने के मामले में पुलिस ने भेजा जेल, झारखंड चाईबासा का है मामला। पाकिस्तान ने भारत के 7 डाक सेवा पर लगाई रोक, जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने के विरोध में लिया फैसला। कमलेश तिवारी हत्या को लेकर फेसबुक पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर 2 गिरफ्तार, दानिश नवाब और मोहम्मद इमरान अंसारी को पुलिस ने भेजा जेल। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव ने नोबेल विजेता पर दिया विवादित बयान, कहा विदेशी महिला से दूसरी शादी करने वालों को मिल रहा है नोबेल पुरस्कार। बॉलीवुड के फेमस अवार्ड शो आईफा में सितारों ने जमकर की मस्ती, सारा अली खान ने लगाए ठुमके, रेखा ने अदाओं से जीता लोगों का दिल। नेताओं को नितिन गडकरी ने पत्नी के साथ डाला वोट, पीयूष गोयल ने कहा जीतेंगे 225 सीटें। भोपाल में स्वास्थ्य सेवाओं में बड़ी लापरवाही, एम्बुलेंस के लिए दौड़ता रहा परिवार, कैंसर पीड़ित 3 साल के मासूम की दर्दनाक मौत। स्कूल में डीएम के स्वागत के लिए प्लास्टिक बैग में लाया गया फूलों की माला, प्रिंसिपल पर लगा जुर्माना, मध्य प्रदेश भिंड का है मामला। भागलपुर में उपचुनाव को लेकर नाथनगर में जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन मुस्तैद, एसएसपी आशीष भारती ने कई बूथों का लिया जायजा। भारतीय रेलवे ने रद्द की 200 से ज्यादा ट्रेनें, कई ट्रेनों के बदले गए रूट, रेलवे के आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकते हैं रद्द ट्रेनों की लिस्ट। बहरहाल इस बुलेटिन में इतना ही, आप बने रहिए सिल्क टीवी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।